एग्जाम्पल 9.8, इफ एफ इक्वल 0.5 मीटर फॉर ए ग्लास लेंस, फोकल लेंथ 0.5 मीटर गिवन है, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस? पावर ऑफ लेंस आपको फाइंड करनी, सीधी बात है, पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ इन मीटर, ऑलरेडी मीटर में गिवन है, ठीक है, ये प्लस में गिवन है तो पावर भी प्लस हो, तो पावर 1.05 कितना 2 हो गया, प्लस 2 डायप्टर। द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ फेसेस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर 15, ये R1 और R2 गिवन है आपको, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पूछा गया है कि किस ग्लास का बना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस है 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर, व्हाट इज द फोकल लेंथ इन वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ग्लास 1.5, इसे बाद में करेंगे। पहले क्वेश्चन में, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको गिविन है, ये आपका हुआ कौन सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 9.8, पेज नंबर 328। पहले सबसे फर्स्ट पार्ट में कहा है फोकल लेंथ 0.5 और आपसे पावर पूछा गया है 0.5 मीटर, तो पावर इक्वल्स 1/ फोकल लेंथ इन मीटर, तो 1/ प्लस 0.5 सीधा सीधा प्लस 2 डायप्टर हो गया। सेकंड पार्ट में आपसे क्या कहा गया है, सेकंड पार्ट में आपसे कहा गया है कि एक लेंस है जिसके रेडियाई ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, R1 पॉजिटिव ली जाती है, R2 निगेटिव ली जाती है, किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। फोकल लेंथ आपको कहा गया है, फोकल लेंथ कहा गया है इसका 20 सेंटीमीटर, तो नहीं 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ये फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक। लेंस मेकर फॉर्मूला इसमें लगा लीजिए आप, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, 1/F इक्वल्स म्यू माइनस 1 1/ R1 माइनस R2। फोकल लेंथ आपको कितना गिवन है, प्लस 12 म्यू माइनस 1, R1 कितना है, प्लस 10 माइनस माइनस 15, 1/12 म्यू माइनस 1 कितना बनाए, एलसीएम कितना आएगा इसका, 30 एलसीएम आ गया, हाँ 30 एलसीएम आ गया, तो ये बना आपका 3 प्लस 2, 1/12 इक्वल्स म्यू माइनस 1 इंटू 5/30, और अब आपका म्यू माइनस 1 बन जाना है कितना, 1/12 इंटू 30/5, 6/2 यानी कि 0.5, और म्यू बन जाना है 0.5 प्लस 1 सीधा सीधा 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन गया आपके लेंस मटेरियल का। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन में कहा है, थर्ड पार्ट में क्या कहा है, थर्ड पार्ट में क्वेश्चन में कहा है फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ है प्लस 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इन एयर, व्हाट इज फोकल लेंथ इन वाटर, फोकल लेंथ एयर में है, फोकल लेंथ इन वाटर आपसे पूछा गया है, और साथ ही साथ आपको गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर 1.33, 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू कितना बोलो, 1.5, ये दो फिगर्स आपको गिवन है। अब आपको फोकल लेंथ इन वाटर चाहिए, याद है किसी को इक्वेशन, फोकल लेंथ इन लिक्विड, फोकल लेंथ इन लिक्विड इज इक्वल्स टू
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू लिक्विड -1 डिवाइडेड बाय फाइनल फॉर्मूला जो ड्राइव किया था, फोकल लेंथ इन वाटर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर -1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर इंटू फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर। ठीक है, फोकल लेंथ इन वाटर आपको चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको गिविन है 1.5 -1, लिक्विड का गिविन है 1.33 डिवाइडेड बाय 1.5 -1.33 इंटू फोकल लेंथ इन एयर। फोकल लेंथ इन एयर आपको गिवेन है कितना, 20 सेंटीमीटर, ये आपका 20 हो गया। फोकल लेंथ इन वाटर इक्वल्स क्या बनेगा, 0.5 इंटू 1.33 डिवाइडेड बाय कितना बनेगा ये, 0.17। बल्कि इसको भी ज़्यादा आसान तब पड़ता जब आप इसे लिख लेते 5/2 और इसे लिख लेते आप 4/3, तो फिर ये सारी फिगर्स डेसिमल में ना आकर के कटती चली जाती। ठीक है, और 20 सेंटीमीटर आपको गिविन है ही, आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। फोकल लेंथ यहाँ याद रखना आप पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ रखनी है। ऐसा भी हो सकता है कि एयर में पॉजिटिव है और लिक्विड में जाकर के निगेटिव हो जाए। कब होगा ऐसी कंडीशन, जब लिक्विड का मटेरियल का लिक्विड मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो जाए तो नीचे निगेटिव आ जाएगा। इसलिए इस फॉर्मूले में, क्या सारी फॉर्मूले में प्लस भी अगर कोई है फिगर तो उसे प्लस को लगा दो, कंजूसी ना करो बिल्कुल भी। ठीक है, कीजिए इसे क्वेश्चन को।